माँ, झारखंड इतना काला क्यों है माँ? काला नहीं बेटा, काला सोना है। सोना तुम्हें पसंद है माँ? कौन सी औरत को सोना पसंद नहीं होता बेटा। एक दिन झारखंड का सारा सोना तुम्हें लाके दूंगा माँ। मुझसे वादा कर, तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। धन्यवाद काले हीरो का शहर। कहने का तो यहाँ कोयला काला है, मगर हीरे की चमक भी इन कोयलों के सामने फीकी पड़ जाती है। कोयला कई तरह के होते हैं, मगर इसमें इन कोयलों में बिटुमिनस कोयला पहचानने वाला रॉकी ही पहला व्यापारी है। ये कहानी की शुरुआत सन 1999 से होती है, जब धनबाद बिहार का हिस्सा हुआ करता था। फिर उसके बाद सन 2000 में एक नया राज्य झारखंड बना और धनबाद झारखंड में शामिल हो गया। इसके साथ ही धनबाद तेजी से बदलने लगा और पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक कोयला धनबाद से निर्यात होने लगा। अब ये शहर पूरे भारत में कोयले की राजधानी नाम से विख्यात हो चुका था। नाम बोल। राजा कृष्णा आपका बैरिया। बम्बई में बड़ा नाम करेगा तो बड़ा नाम कमाएगा, पब्लिक भी तेरा छोटा नाम याद रखेगी। हम लोग बहुत तंग कर रहा है, उसको दो फटके दे क्या? उसके काम के नीचे कुछ देना ही पड़ेगा क्या? ये साला तुम्हारे चिल्लर लोग मारेंगे क्या? तुम लोग मारोगे उस इंस्पेक्टर को? कोई है क्या माइकल आज उस इंस्पेक्टर को मारने के लिए? Let's go.
कल रांची वाले पार्टी को जो माल गया था वो क्या होगा? भाई अभी उसका पेमेंट नहीं आया है। कल जो रांची जो माल जाएगा उससे रोक दो। ओके भाई। Yeah.
Texas. जल्दी जल्दी काम करो, नो माइंस का कोयला निकालना है। रॉकी भाई, राज जो ट्रक गया था वो ट्रक गायब है और ड्राइवर की लाश मिली है। किसका काम हो सकता है ये? सिम्बा का काम हो सकता है ये? ये सिम्बा का काम नहीं है, किसी और का। इसको आज ही जलवा दो। इसका ट्रक है, टाइगर के एरिया से ट्रक पार होगा, आधा हिस्सा देना पड़ेगा। नया आया है क्या इलाके में? रॉकी भाई का ट्रक है, जान प्यारी तो साइड हट जा। पता करो ये रॉकी कौन है, पता करो रॉकी कौन है।
है रॉकी। अच्छा यही है रॉकी। हाँ वरना मार दूंगा, मैं फिर से कह रहा हूँ रुक जा वरना गोली मार दूंगा। मरना पसंद है, हारना नहीं। एक बार रॉकी का माल टाइगर ने रोका था, रॉकी ने उसका पूरा वजूद ही मिटा दिया। भाई रीना भाभी की बहन आई है। रीना दीदी 4 दिन से लापता है, उसका फोन भी सूझ पा रहा है। भाई अधीरा जिंदा। इन दीवारों में जो सीमेंट है इसने पानी से ज्यादा खून पिया है, उसकी वजह है ये तलवार, अधीरा की तलवार। मरे हुए की तलवार को देख के लोग इतना क्यों डर रहे हैं जानते हो? अधीरा बचपन से ही वाइकिंग्स कबीले की क्रूरता और नीति को अपनाकर ताकतवर और खूंखार बन गया, ताकि केजीएफ की ओर कोई आंख भी ना उठा सके। लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाई, उससे भी बढ़कर अपने भाई की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी तलवार की धार पर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर वो होता तो तुम्हें केजीएफ में कदम भी नहीं रखने देता।
इतिहास काल, सोच काल, मैं अंधेरे का प्रतीक, तुम सब राम बनो, मैं रावण की। बचना नामुमकिन है, डर मत, सो जा।